गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, लास्ट पॉइंट्स जो हम कर रहे थे दैट इज पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स ऑन टी प्लस टू डे। पे आउट डे वो डे जिस दिन एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस है वो पेमेंट करेगा सेलर और जो बायर है उसको। किस चीज़ की ये, इसको इस तरीके से समझिए कि जब आपका पे इन एंड पे आउट डे होता है वो होता किस तरीके से। ब्रोकर है, दो ब्रोकर्स हैं, एक बायर का है और एक सेलर का है, और बीच में एक्सचेंज है। बायर ने का जो ब्रोकर है, बायर ने अपने ब्रोकर को कहा कि मैं इतना बाय करना चाहता हूँ, सेलर ने अपने ब्रोकर को कहा कि मैं इतना सेल करना चाहता हूँ। दोनों ब्रोकर्स के सिस्टम से वो गया एक्सचेंज के सिस्टम पे। एक्सचेंज के सिस्टम में जो ऑर्डर है वो मैच हुआ, कन्फर्मेशन हुई, वो पूरे सारे स्टेप्स हुए। उसके बाद जो पे इन डे है और पे आउट डे है, उस डे पे जो ब्रोकर है, पे इन डे पे जो ब्रोकर है, दोनों ब्रोकर्स, वो क्लियरिंग हाउस के पास जिसने पेमेंट जमा करवानी है वो पेमेंट जमा करवाएगा, जिसने सिक्योरिटीज जमा करवानी है वो सिक्योरिटीज जमा करवाएगा। और पे आउट डे पे जो क्लियरिंग हाउस है वो ब्रोकर्स को, जिसको पेमेंट मिलनी थी उसको पेमेंट दे देगा, और जिसको सिक्योरिटीज मिलनी थी उसको सिक्योरिटीज दे देंगे, और ब्रोकर जो है वो अपने जो बायर और सेलर उनका क्लाइंट्स है उनको दे देगा। तो इस तरीके से पे इन ऑफ सिक्योरिटीज एंड पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज शॉर्ट सेलिंग। इसके बारे में जब हमने टाइप्स ऑफ स्पेक्युलेटर्स किए थे वहाँ पे हमने पढ़ा था, जो बियर होता है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस आपके क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। तो जो शॉर्ट सेलिंग है वो उसी से रिलेटेड है। शॉर्ट सेलिंग एक टेक्निक है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की। इस टेक्निक में जो सेलर है वो सेल करता है उन सिक्योरिटीज को जो करंटली वो ओन नहीं कर रहा है, मतलब उन सिक्योरिटीज के लिए वो ट्रांजेक्शन के लिए रेडी होता है जो सिक्योरिटीज अभी करंटली उसके पास नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस जो हैं वो कम होंगे। तो जो प्राइस सिक्योरिटी का अगर फ्यूचर में डिक्लाइन हो जाता है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसे लॉस बियर करना पड़ेगा। तो उसी को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले इसमें आता है कंपलसरी रोलिंग सेटलमेंट, बात हम दो बार कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में इसकी। यहाँ पे इसी चीज को एक जो है टेक्निकली समझाया गया है कि कंपलसरी रोलिंग सेटलमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो भी सिक्योरिटीज इक्विटी सेगमेंट और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं उन्हें टी प्लस टू बेसिस के ऊपर सेटलमेंट फॉलो करना पड़ता है। जो रोलिंग सेटलमेंट है इसका मतलब कि जो ट्रेड हुआ है, जिस दिन पर्टिकुलर डे को ट्रेड हुआ है, उस डे से आपको नंबर ऑफ बिजनेस डेज दिए जाते हैं जिस पे जो आपका पूरा ट्रांजेक्शन है वो सेटल हो जाना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, टी ट्रेडिंग डे जिसे हम कहते हैं, और ट्रेडिंग डे पे आपकी डाउनलोड होंगी स्टेटमेंट जिसमें डिटेल्स होंगी आपकी ट्रांजेक्शंस की। टी प्लस वन डे पे क्या होगा, कंफर्मेशन 6A और 7A डाटा की कस्टडियन करेगा 1 PM तक। मेंबर्स जो हैं वो डाउनलोड करेंगे उनकी फंड्स की ऑब्लिगेशन स्टेटमेंट और लिस्ट ऑफ फाइनल सिक्योरिटीज। यहाँ पे ये फंड्स की ऑब्लिगेशन और लिस्ट ऑफ फाइनल सिक्योरिटीज का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी आपका बीच में क्लियरिंग हाउस है उसको अब हर ब्रोकर है, जो नंबर ऑफ ब्रोकर्स हैं वो तो वही डील कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड हैं कस्टडियन के साथ या क्लियरिंग हाउस के साथ। तो हर एक पर्सन जो होता है, हर एक पर्सन का मतलब हर एक जो ब्रोकर है उसके पास बाइंग के ऑर्डर्स भी होंगे और उसके पास सेलिंग के ऑर्डर्स भी होंगे। तो उसके अकाउंट में उतने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज और उतने नंबर ऑफ जो मनी, उतना अमाउंट ऑफ मनी जो है उसके अकाउंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं उसकी ऑब्लिगेशन स्टेटमेंट्स की, फंड्स के रिगार्डिंग और उसकी लिस्ट ऑफ फाइनल सिक्योरिटीज। देन टी प्लस टू डे पे पे इन ऑफ फंड्स होता है, सिक्योरिटीज होता है बाय 11 AM एंड पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज होता है बाय 1:30 PM। और जो मेंबर ब्रोकर्स हैं उन्हें सबमिट करनी होती है अपनी पे इन ट्रांजेक्शन इंस्ट्रक्शंस फंड्स के लिए और सिक्योरिटीज के लिए बैंक्स और डिपॉजिटरीज को बाय 10:40 AM। टी प्लस टू डे पे ऑक्शन होता है बोल्ट पे 2 PM पे। ये ऑक्शन क्या होता है अभी नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टी प्लस थ्री पे ऑक्शन में पे इन एंड पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज होता है 9:30 AM से 10:15 AM तक। देन नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज जो रोलिंग सेटलमेंट में स्टेप नहीं मतलब रोलिंग सेटलमेंट में जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज शॉर्टेजेस।
यहाँ पे होता है। कई बार क्या होता है, जो क्लियरिंग हाउसेज है, सपोज जब जैसे हमने अभी ऊपर अपने स्टेप में पढ़ा कि जो ब्रोकर्स हैं उनका जो अकाउंट है वो होगा क्लियरिंग हाउस के पास, जो स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस है उनके पास उसका फंड्स का भी अकाउंट होगा एक, और उसके पास उसका सिक्योरिटीज का भी अकाउंट होगा। तो अगर उसमें किसी तरीके की शॉर्टेजेस हैं, जैसे सपोज उसकी ऑब्लिगेशन थी शेयर्स की 500, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ जो शेयर्स पड़े हैं वो पड़े हैं 300, तो 200 की शॉर्टेजेस है, तो यहाँ पे वो शॉर्टेजेस को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑक्शन। यहाँ पे ऑक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज जो ब्रोकर कहते हैं कि भैया मेरे पास तो 300 ही सिक्योरिटीज है, पर ऑब्लिगेशन मेरी 500 की है और मार्केट से मुझे कहीं शेयर्स मिल नहीं रहे हैं, तो जो क्लियरिंग हाउस है वो ऑक्शन करता है शेयर्स की मार्केट में की, और उस ऑक्शन में जिस पर्सन की, जिस ब्रोकर की शॉर्टेज है उसको छोड़ के जो बाकी ब्रोकर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने जो शेयर्स हैं उन्हें खरीद और बेच ऑक्शन में सकते हैं क्लियरिंग हाउस को। तो उसके अकॉर्डिंग जो क्लियरिंग हाउस है वो ट्रांजेक्शन को फुलफिल करता है। इसका यहाँ से जो चीज़ आपको निकल के समझ आई वो ये आनी चाहिए कि जो क्लियरिंग हाउस ये सब चीज़ें कर रहा है उसका पर्पस क्या है, कि डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो बायर और जो सेलर है, जो इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भैया मेरे पास शेयर्स नहीं है तो आपकी ट्रांजेक्शन से मैं बैकआउट करता हूँ। नहीं, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। तो उस वो चीज़ ना हो उसी के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज के हैं वो क्लियरिंग हाउसेस बनाए गए हैं, जो डिफॉल्ट नहीं होने देते हैं क्लाइंट के लिए। क्लाइंट मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज सेटलमेंट एजेंसी, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, होली ओन सब्सिडी BSE की इनकॉर्पोरेट किया गया था इसे 2007 में। इसका काम क्या है, सेटलमेंट एजेंसी को हम क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? जब स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे हम जो क्लियरिंग हाउस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम वही चीज की बात कर रहे हैं, सेटलमेंट एजेंसी कौन है? तो जो ये इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, क्लियरिंग हाउस जो है, इसका काम होता है ये फंक्शंस करना, क्लियरिंग, सेटलमेंट, कोलेट्रल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करना वेरियस सेगमेंट्स में BSE के। और अगर इसकी बात हम करें तो सेटल करती है ट्रेड सभी सेगमेंट्स में, इक्विटी, कैश, इक्विटी डेरिवेटिव, BSE, SME, ऑफर्स फॉर सेल, डेप्ट सेगमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट्स, म्यूचुअल फंड, सभी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में। इम्पैनल्ड है इसके पास 20 बैंक्स एज क्लियरिंग बैंक्स, जो क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ट्रेड्स के लिए जो एग्जीक्यूट होते हैं BSE प्लेटफॉर्म पे। इंश्योरेंस प्लान ये देती है 375 करोड़ रुपीस का प्रोटेक्ट करने के लिए ICCL को अगेंस्ट काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि पार्टी को आप मना नहीं कर सकते कि मेरे पास शेयर्स नहीं है, वो काम किसका है देखना, वो काम है क्लियरिंग हाउस का देखना, उसी को काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कहा जाता है। जो शेयर कैपिटल है ICCL की वो है 35,400 लाख रुपीस, और इसने अर्न की थी इनकम 2523 लाख रुपीस इन द ईयर 2013-14। तो इसके साथ जो ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।